श्रीलंका के मकतूल शहरी प्रियांथा कुमारा की मैयत श्रीलंका रवानगी के लिए एयरपोर्ट पहुंचा दी गई। मैयत ले जाने के लिए श्रीलंकन सिफारतखाने के अहलकार अस्पताल पहुंचे, जहां अहलकारों ने प्रियांथा कुमारा की मैयत पर फूल रखे। मैयत को आज कोलंबो रवाना किया जाएगा, जहां उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। सानिया सियालकोट के हवाले से पेशरफ्त इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाले मौजी मतदान समेत 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक 131 हिरासत अफराद में से 19 का मरकजी किरदार सामने आया। तर्जमान पुलिस पंजाब का मौके। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सानिया सियालकोट तकलीफ दे वाकया है, वाकये की तहकीकात जारी है, कोई मुआशरा ऐसे वाकया की इजाजत नहीं देता। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सानिया सियालकोट तकलीफ दे वाकया है, ये भी कहा 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में OIC के वज़ीरे ख़ारिजा का गैर मामूली इजलास होगा, जिसका एजेंडा अफगानिस्तान है। अगर अफगानिस्तान के हालात खराब हुए तो पाकिस्तान समेत पूरा खत्ता मुतासर होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास कल होगा। इजलास में सानिया सियालकोट पर ब्रीफिंग दी जाएगी, मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई पर काबीना को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का श्रीलंकन शहरी को बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान के लिए तमगा शुजात का ऐलान। अपने ट्विटर पैगाम में कहा पूरी कौम की तरफ से मलिक अदनान के अखलाक की जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करना चाहता हूँ। मलिक अदनान ने अपनी जान को खतरे में डालकर मजलूम को बचाने की कोशिश की। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना रेफरेंस से मुतालिक केस ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अदालत में पेश। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद भी अदालत के बाहर मौजूद थी। अदालत ने आशियाना रेफरेंस से मुतालिक केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। N133 का जिमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। तमाम 264 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर रस्मी नतीजे मौसूल हुए। नून लीग के शाइस्ता मलिक 34,866 वोट लेकर पहले नंबर पर, पीपल्स पार्टी के असलम गिल का 23,499 वोट लेकर दूसरा नंबर। शहबाज शरीफ के N133 में वाज़ह बढ़तरी पर आवाम और पार्टी रहनुमाओं को मुबारकबाद। कहा मुस्लिम लीग नून हमेशा की तरह आवाम के एतमाद और आरज़ुओं पर पूरा उतरेगी। ज़िम्न इंतखाब में भरपूर मेहनत और दिन रात खिदमत करने वाले रहनुमाओं और कारकुनों को खराज तहसीन पेश करता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं नून लीग ने हर ज़िमनी इलेक्शन में साबित किया कि वो मकबूल तरीन जमात है। अवाम अपने मसाइल के हल के लिए नून लीग की तरफ देख रहे हैं, अवाम अब बातों दावों नारों के फरे में आने वाले नहीं। PTI की गैर मौजूदगी में असलम गिल बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते तो ज्यादा वोट लेते। मामले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं चौधरी असलम गिल गुजादार सियासतदान हैं, बदकिस्मती से हारे हुए लश्कर का हिस्सा हैं। पीपल्स पार्टी को गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए कि ये 23,000 वोट उन्हें हासिल हुए हैं। N133 में शानदार नतीजे पर आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में नया जन्म लिया जो पंजाब में तब्दीली का बायस बनेगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफ अली जरदारी कहते हैं लाहौर का जिमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। चेयरमैन बिलावर भुट्टो जरदारी कहते हैं पंजाब का अगला वज़ीर आला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। लाहौर से कराची और कोयटा से पिशावर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जिंदा हकीकत है। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में एक नई करवट ली, अगला दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होगा। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात के मुकाबले में ज़िमनी इंतखाबात में 50% से कम वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह ताड़र कहते हैं नून लीग ने लाहौर में बेहतरीन कामयाबी हासिल की। तहरीक इंसाफ वाले मैदान से भाग गए और शेर के सामने ठहर न सके। डस्का इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा कर लिया गया।
नवाज शरीफ ने खून पसीने से मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। लोग आज भी कहते हैं कि कराची का अमन और रोशनियां नवाज शरीफ ने बहाल की है। नून लीग और पीपल्स पार्टी मफादात की थाली के चट्टे बट्टे हैं। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावत की तनकीद, कहते हैं आज एक दूसरे को आंखें दिखाने वाले कल फिर शीरो शकर होंगे। पीटीआई की हुकूमत के जिले इलेक्शन का पूरा अमन इनेकाद था। जिले इंतखाबात में अपोजिशन बामुकाबला अपोजिशन थी। पहले से भी आते वोट अवाम का इंतकाम नहीं तो और क्या है। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी ने लॉन्ग मार्च और इस्तीफों से मुतालिक सिफारिशात तैयार कर ली। आज सरबराही इजलास में पेश किया जाएगा। कमेटी का लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की हिमायत पर इतफाक हुआ। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने एतराफ किया है कि बलदियाती इलेक्शन ईवीएम पर नहीं हो सकते, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ऐसे इंतखाबात के लिए नहीं बनाई गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सिर्फ 200 उम्मीदवार आ सकते हैं। तहसील नासम के इंतखाब के लिए मशीन इस्तेमाल की जा सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का नाम ईसीएल में डालने की दरख्वास्त काबिल इस्तेमाल होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मीनल्ला ने राना शमीम का नाम ईसीएल में डालने की दरख्वास्त की समाप्त की और दरख्वास्त गुजार के दलाइल सुनकर फैसला महफूज किया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को 63 साल कबल शहरी को अलॉट की गई जमीन वापस लेने का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत ने शहरी अता रसूल को 1958 में ग्रोमोर फूड स्कीम के तहत 3 बरस के लिए 8 कनाल जमीन अलॉट की थी। लंदन में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की गाड़ी को जुर्माना, ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने के टिकट जारी। जुर्माने की रकम 140 पाउंड तक हो सकती है। 14 दिन के अंदर अदायगी पर 70 पाउंड अदा करने होंगे। गवर्नर पंजाब की गाड़ी ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए डबल येलो लाइन पर पार्क हुई थी। अदालती हुक्म पर कल से मोटरवे M2 पर M-Tag के बगैर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। रावी टूल प्लाजे से ज्वाइन होने वाली तमाम मोटरवेज पर M-Tag का इतलाक होगा। IT मोटरवे कहते हैं महफूज सफर और माहौलियाती आलूदगी कम करने में शहरी तआवुन करें। कोरोना के वार जारी। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 10 अमवात हो चुकी। मुल्क भर में कोरोना से जामक अफराद की तादाद 28,777 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 336 केसेस रिपोर्ट हुए। 42,944 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.78 फीसद रही। NCOC ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नजर कैटेगरी सी के ममालिक में इजाफा कर दिया और इन ममालिक से पाकिस्तान आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। कैटेगरी सी ममालिक की लिस्ट 7 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। दुनिया भर में कोरोना से 72,70,000 हलाकतें, 26,61,00,000 मरीज। अमरीका में 8,08,000, भारत में 4,73,336 अमवात हो चुकी। रूस में 2,78,278, फ्रांस में 1,19,535, बरतानिया में 1,45,605, मेक्सिको में 2,95,202 और थाईलैंड में 20,964 अमवात हो चुकी। कोई इन हाउस तब्दीली नहीं आ रही, किसी में जुर्रत नहीं कि हमारी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करे। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने अपोजिशन पर वाज़े कर दिया। कहते हैं तनकीद के बावजूद BRT बस सर्विस का मंसूबा मुकम्मल हुआ। पेशावर से डेरा इस्माइल खान मोटरवे बनाई जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी सराजुल्ला कहते हैं गवादर को कौमी और बैनुल अक्वामी माफिया से अहम करम पर नहीं छोड़ेंगे। गवादर सूबे बलोचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की का गेटवे है। मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल देंगे।
ढाका में बारिशों का सिलसिला जारी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज का खेल भी ताखीर का शिकार हुआ। दोनों टीमों को फिलहाल होटल में ही रहने की हिदायत कर दी गई। मैच ऑफिशियल्स के फैसले के बाद दोनों टीमें होटल से स्टेडियम के लिए रवाना। इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में आतिशबाजी फटने से 14 अफराद हलाक और 56 जख्मी हो गए। इमदादी टीमों को राहत तले दबे मुसाहिरीन को तलाश करने के लिए हाथों से खुदाई करनी पड़ी। मुतासर इलाके से 300 अफराद को बाईपास निकाल लिया गया, 9 अफराद लापता। तुर्क पुलिस ने सदर उर्दवान पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी। तुर्क सदर पर सुबह सीरत के दौरे के मौका पर हमले का मनसूबा बनाया गया था। फ्रांस में स्कूल से गैर हाजिर बच्चों की जगह रोबोट ने क्लास ले ली। 2022 तक मुल्क भर के स्कूलों में 4000 बड़ी रोबोट भेजने का फैसला। इंग्लैंड के शहर डर्बी में पुलिस ने मुश्तबा अशिया मिलने पर 50 से ज्यादा घर खाली करा लिए। इस दौरान पंप स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस की जानिब से लोगों को इलाके से दूर रहने की हिदायत कर दी गई। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने सऊदी अरब का एक रोजा दौरा किया। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने फ्रांसीसी सदर का इस्तकबाल किया। मुलाकात में सऊदी अरब और फ्रांस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी का जायजा लिया गया। फ्रांस के साथ मुख्तसिर दौरे के बाद जद्दा से वतन वापस पहुंच गए। नागालैंड वाकये पर भारतीय फौज एहलकारों के खिलाफ इक्तदार में कत्ल का मुकदमा दर्ज। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय फौज के 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भारतीय फौज के खसूसी यूनिट ने कार्रवाई पर पुलिस को मतला किया और ना ही रहनुमाई ली। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का इदारा शहरी को कत्ल और जख्मी करना था। वादी नीलम में तवील अरसे की खुश्क साली के बाद मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और बर्फ का सिलसिला शुरू हो गया। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मेजर शबीर शरीफ शहीद निशानी हैदर का 50वां योम शहादत। आईएसबीआर खराज तहकीकत। मेजर शबीर शरीफ शहीद 1971 की पाक तारा जंग में शहीद हुए थे। आर्मी चीफ और कोर कमांडर लाहौर की जानिब से फूल और सलामी पेश की गई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मुवर रजा ने कब्र पर चादर चढ़ाई।